हमारे दर्शक का कमेंट आया था कि चलने वाली बकरियों को पीपीआर नहीं होती है, तो उन लोगों को भी कहना चाहेंगे कि जो गुटखा खाता है उसी को खाली कैंसर नहीं होता है, कैंसर सभी लोगों को हो सकता है। हम दोहराना चाहेंगे जी, जैसे आप बोलते हैं कि बकरी गरीबों की गाय होती है, तो उस गाय में जैसे टैगिंग किए हैं उसी टाइप से बकरियों में भी अगर आप निकालते तो आज हमारे चाचा को ये कहना नहीं पड़ता कि हमारी बकरियां मरने वक्त टाइम नहीं देती। करो ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्कार, मेरा नाम सोनू नाज है और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। एक कहावत है कि जहाँ न पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे सोनू की सवारी। कैमरा लेके सवारी पे चढ़ के हम आ चुके हैं मोतीपुर के पास, मुजफ्फरपुर जिला में। अब चाचा मिल गए रोड पे बकरी चराते हुए, तो सोच रहे इनका भी एक्सपीरियंस आपको हम साझा कर दें। तो इनसे हम पूछेंगे इनका नाम और इनका पूरा पता। बताइए चाचा आप अपना नाम। मोहम्मद सहूद। सहूद जी, जगह का कौन सा नाम है? बहुत चारों तरफ हरियाली हरियाली है, एकदम मजा आ रहा है चराने में बकरी। ये चवर है, ठिकाहा धनुपड़ा, बड़का गांव, बकटपुर, तीनों अच्छा। का चौड़, तीनों का चौड़ है चारों तरफ से। ये गांव के नाम बता रहे थे अभी, और बीच में ही बकरी चराते हैं। बकरी चराने के अलावे जब आप यंग थे अभी से पहले क्या करते थे? रिक्शा। रिक्शा चलाते थे जी। रिक्शा चलाते होंगे तो शहर में जाना पड़ता होगा या जी, जो पटना। पटना में चलाते थे, कहाँ पे? ये विधानसभा के नदी। बताइए विधानसभा के पास और के आदमी विधानसभा से मुलाकात होगी अभी बकरी चलाते चलाते जी। तो मैं, मेरा भी पुराना रिश्ता रहा पुनाईचक से जी, और बकरी से भी पुराना रिश्ता रहा है, आपका भी है जी। तो हम जानना चाहेंगे कि बकरी से लगाव कब से है आपका? बकरी से लगाव 10 बरस से। 10 बरस से बकरी से लगाव है जी। तो जो बकरी हम आपका देख रहे हैं सब कौन सी नस्ल की बकरियां हैं? ये सब देहाती है। सब देहाती मतलब देसी? आइए देसी है। देसी देसी है हाँ, सब देसी। बार बार हमारे वीडियो में कहा जाता है कि देसी सबसे बेहतर होता है। देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन घास चल रही है, इससे उसको कोई बहस नहीं है, अपने मन मुताबिक चल रही है, खा पी रही है। बाकी हम जानना चाहेंगे ये बकरी जो आप 10 साल से लिए थे, 10 साल पहले, आज से जो 10 साल पहले बकरी लिए थे, वो बकरी है अभी भी? वो बकरी नहीं है, उसके बच्चा है। अच्छा, मतलब उसी का जनरेशन, उसी का खानदान चल रहा है अभी तक? उसी का है। तो यहाँ पे जो हम पटना में देखते हैं कि बहुत महंगा मीट है, यहाँ क्या हालात है बाजार का? 600 रुपये किलो। 600 रुपये किलो काउंटर पे? हाँ। अगर मान लीजिए कि अभी जो बकरी है आपके पास कितनी संख्या में है? ये 11 गो है। 11 गो में खस्सी कितना है? खस्सी है 7 गो। 7 गो खस्सी है। खस्सी जो आपका देख रहे हैं सब 15 से 20 किलो के केजी तक होगा मेरे ख्याल से, 12 से 18 केजी के बीच में। 12 से 18 केजी का जो बीच में जो खस्सी, अगर आप बेचना चाहें तो कब बेचते हैं इसको और कितने में बेचते हैं? ये बिकेगा, अभी के डेट बता दीजिए, बाकी तो कुर्बानी का समय में वजन इसका बढ़ जाएगा। 1000 से ऊपर। 1000 से ऊपर। ये जो खस्सी दिख रहा है कितना तक में आप हमको दे देंगे अगर लेना हो तो? ये सब अभी के डेट में अब सब हो गया 10,000 का जी। 10,000 मतलब दाता हुआ है सब? हाँ, दाता हुआ, जितना मिलेगा 10,000 से नीचे जी। जी जी। तो ये बात कर रहे थे हम लोग बकरी पे, और बकरी जो है ये देख रहे हैं खस्सी है और वाइट कलर की। आप लोग अगर जानते हो कि ब्लैक बंगाल सिर्फ काला होता है तो ऐसा कुछ नहीं है, लाल भी होता है, उजला भी होता है, काला भी होता है, दोनों मिक्स भी होता है। बात कर रहे थे हम लोग इसके खस्सी के उस पे, तो खस्सी का खाने वाले का डिमांड सब जगह से बढ़ चुका है। तो चाचा आपका एगो अनुमान होगा कि अभी तो कुछ कर नहीं रहे होंगे, अभी तो घर पे बैठे होंगे, कितना दिन से बैठे हैं? बहुत दिन हो गया, 10 साल से बैठे हुए हैं। अच्छा, तो अभी मान लीजिए कि साल में कितना खस्सी आप बेच लेते होंगे और कितने तक का आमदनी हो जाता होगा इससे? कभी साल में 4 बिका गया, कभी 3 भी बिकाया जी। कुछ नुकसान भी हो जाता? नुकसान का मेन कारण क्या है? नुकसान हो जाता है कि बीमारी पकड़ लेता है, छेड़ा उड़ा पकड़। कौन सा बीमारी? मतलब पता ही नहीं लगता है कि क्या हुआ, 1 घंटा के अंदर अंदर में साफ हो जाता है। तो मतलब कि कोई पास पड़ोस में आपके डॉक्टर नहीं है, आपको वो आप अपने से कुछ उसमें नहीं करते? समय मिलवे नहीं करता। अच्छा, तो इस वीडियो में ये जो बात बोले कि समय नहीं मिलता है, तो खास करके उन लोगों के लिए जो बकरियों का टीकाकरण समय समय पर नहीं करते। जब बच्चा पैदा लेता है आदमी का तो उसका भी टीकाकरण होता है शेड्यूल बाय शेड्यूल। अब तो सरकार जागरूक है, लोग जागरूक हैं,
प्राइवेट में भी करवाते हैं लोग, सरकारी में भी खोज खोज के लोग टीकाकरण करवाते हैं। उसी तरह ही जानवर है बकरी, तो समय समय पे आप आवश्यकता अनुसार अगर इसमें 2,000 रुपया सालाना भी खर्चा कर देंगे, मेरे ख्याल से बीमारी से बकरियां नहीं मरेगी, आपके रख रखाव के हिसाब से ही बकरियां मरेगी। अभी टीका वगैरह कुछ लगा है आपके बकरियों में? नहीं, कुछ नहीं। कोई आता है ब्लॉक वगैरह से? कुछ कुछ नहीं, ब्लॉक से कभी नहीं। तो पिछले बार जब हम सड़क पे वीडियो बना रहे थे नवतपुर जाने के क्रम में, एक हमारे दर्शक का कमेंट आया था कि चरने वाली बकरियों को पीपीआर नहीं होती है, तो उन लोगों को भी कहना चाहेंगे कि जो गुटखा खाता है उसी को खाली कैंसर नहीं होता है, कैंसर सभी लोगों को हो सकता है, तो वैसा ही पीपीआर का बीमारी है, एफएमडी वगैरह भी है, तो इसीलिए टीका उसको बोला जाता है, यानी प्रीपेड है, पहले उसको डाल दीजिए, उसके बाद बीमारी आएगा नहीं आएगा उस पर छोड़ दीजिए। तो आप सभी भाई जितने भी बकरी रखे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि बकरी हमारा नुकसान नहीं हो, कोई बीमारी ना पकड़े उसमें, और जैसे चाचा जी बोले कि समय नहीं देता है, तो ऐसा ही ये भी है, अगर जब बीमारी लगेगा तो आपको सोचने समझने का मौका नहीं देगा, और एक बकरी आप फेंक के आएंगे दोबारा फिर मरा हुआ मिलेगा आपको। तो आप सभी, हमारा जो भी वीडियो जहाँ तक पहुँच रहा है, उन सभी भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि आप पीपीआर का टीका लगाएं, हमेशा लगाएं, हर टीका लगाएं समय समय पे। और चाचा, आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि आपके ब्लॉक में एक पशुपालन अधिकारी होते हैं, आपको अधिकारी है लेकिन किसी का कुछ करने नहीं था। जी, मतलब आप कभी सूचना वहाँ पे दिए हैं कि हम बकरी रखे हैं, कोई टीका वगैरह होगा तो हमारे यहाँ ये काम? यहाँ कुछ हो नहीं, मिलवे नहीं करता है आज तक ले, न मवेशी का न बकरी का। मवेशी बड़ा जानवर भी आपके पास? बड़ा जानवर हमारे पास नहीं है। पैकिंग वगैरह कानून में लगा है इधर? ये साल भर पहले हाँ। लगाया था। तो वो जो फिर से हम वही सब बात बोलेंगे कि जो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा के आप प्रचार करते हैं कि पीपीआर इतना से इतना सप्ताह, पीपीआर का सप्ताह आप सभी बकरी वाले दिलवा लेते, उतना बकरी वाले कैसे आपके ब्लॉक तक पहुंच पाएंगे, पशुपालन कार्यालय तक पहुंच पाएंगे? जो आपके साइकिल से घूमने वाले या बाइक से घूमने वाले लोग होते हैं मेरे फार्म पे पहुंच जाते हैं, ताकि मेरा फार्म शहर से नज़दीक है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे होंगे जो भी हमारे सरकारी अधिकारी हैं पशुपालन विभाग के या उनसे जुड़े हुए लोग, उन जो अभी मंत्री हैं पशुपालन के, उन सभी से मेरा यही निवेदन है कि जब आप इस बकरी को और ब्लैक बंगाल के नस्ल को बचाना चाहते हैं, जिस हिसाब से आप हमको किताब में पढ़ाए हैं कि ब्लैक बंगाल दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का बकरी माना जाता है, तो उसी हिसाब से अपने बेस्ट कार्य को करते हुए आप कृपया करके उन लोगों को यहाँ पे भेजें और सही समय पे टीकाकरण इनका हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा बकरी बच सके अपने देश में। और एक बात आप लोगों को बता दूं, अगर एक बकरिया भी मरती है हमारी तो मेरा पर्सनली नुकसान नहीं होता है, पूरे देश का नुकसान होता है, क्योंकि इसका मांस, इसका हड्डी, इसका दूध और इसका चमड़ा यहाँ से बाहरी देशों में जाके बेचा जाता है। तो आप सभी अधिकारियों से मेरा फिर से निवेदन है कि कृपया करके इस सब जगह पे पहुँचें और हमारे जो भी किसान भाई हैं उनको मदद करें, जो हताहत इनको हो रहा है कुछ ऐसा आप व्यवस्था करें, जिसे अनुदान आप पालने से पहले दे रहे हैं, मरने के बाद भी कुछ अनुदान का सोचें, ताकि जो गरीब आदमी, जो आप एक लाइन फिर से हम दोहराना चाहेंगे, जैसे आप बोलते हैं कि बकरी गरीबों की गाय होती है, तो उस गाय में जैसे टैगिंग किए हैं उसी टाइप से बकरियों में भी अगर आप निकालते तो आज हमारे चाचा को ये कहना नहीं पड़ता कि हमारी बकरियां मरने वक्त टाइम नहीं देती। इसी के साथ हम अपने बात को समाप्त करते हुए, फिर हमारी गाड़ी दूसरे जगह पे पहुंचेगी और इसी तरह के बाबा चाचा मिलेंगे और इसी तरह का फॉर्म मिलेगा, और वहाँ से फिर हम अपने ब्लैक बंगाल की जो बकरियाँ होती हैं देसी स्टाइल में और देसी पालने का तरीका आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे, इसी तरह आप प्यार देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।